तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम बताएंगे कि BSNL ई नेटवर्क प्रॉब्लम फिक्स कैसे करें, या फिर दोस्तों BSNL में एच प्लस हो या फिर ई नेटवर्क अगर आपके BSNL सिम में आ रहा है तो दोस्तों आप कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर आपने एक नया BSNL सिम लिया है और आप चाहते कि जो दोस्तों एयरटेल हो या फिर VI हो उसका जो दोस्तों प्राइस है बहुत ही ज्यादा हो चुका है, और ऐसे में दोस्तों आप अपने जियो या फिर दोस्तों एयरटेल सिम को BSNL में पोर्ट किया है, पोर्ट तो कर लिया है और आपको एक नया सिम मिल चुका है, लेकिन दोस्तों आपका जो सिम है इससे में आपके सिम में दोस्तों 4G या फिर 5G नहीं चल रहा इंटरनेट, और इंटरनेट की प्रॉब्लम आपको बहुत ही आ रहा है। और आपको दोस्तों 4G और 5G की तो बात छोड़े, आपके मोबाइल के जो दोस्तों नेटवर्क है ई प्लस या फिर 4G प्लस प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों आप किस तरह से फेस कर सकते हैं वही आज की इस वीडियो आपको पूरे लाइव टू लाइव बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना, इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा भी दोस्तों यहाँ पर 3G आ रहा था, लेकिन दोस्तों मैंने एक ट्रिक को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पर मेरा भी दोस्तों यहाँ पर 4G पकड़ रहा है। तो दोस्तों आप किस तरह से कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और आप किस तरह से BSNL में 4G या फिर 5G कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना, और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में BSNL सिम में दोस्तों जो ई नेटवर्किंग प्रॉब्लम है या फिर दोस्तों जो एच प्लस नेटवर्क है उसको आप दोस्तों किस तरह से फेस कर सकते, इस वीडियो में हम दोस्तों एक नहीं बल्कि आपको 3-3 तरीके बताएंगे। अगर आपके मोबाइल में दोस्तों एक तरीका वर्क नहीं करता तो दोस्तों एक ना एक तरीका तो दोस्तों 100% वर्क करने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों ये दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल का जो दोस्तों पहला ट्रिक है उसके लिए आपको आप अपने मोबाइल का सेटिंग को ओपन करना है, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिम कार्ड लिखने के बाद सर्च कर देना, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो दोस्तों आपका अगर दो सिम है तो दोस्तों आप अपने BSNL सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिफॉल्ट यहाँ पर APN आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक न्यू APN यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर क्या करना हो सकता है आपके नीचे में न्यू APN मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिएगा जो APN है यहाँ पर साइड में भी आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर न्यू APN पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी दोस्तों जो सेटिंग है यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से APN को आप यहाँ पर टाइप करना, आपको पूरा कंप्लीट आपको पूरे ध्यान से देखना तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला दोस्तों नेम, तो दोस्तों नेम आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है BSNL 5G नेम, और उसके बाद ओके कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आएगा APN, तो दोस्तों APN में आपको क्या लिखना है, APN में आपको लिखना होगा BSNL नेट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से लिख देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने BSNL नेट यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ओके कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आएगा APN टाइप, तो दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा APN टाइप, तो दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेगा APN टाइप, आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर APN टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको लिखना होगा दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है default.supl SUPL, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है, APN पे आपको लिखना है दोस्तों default.supl, और उसके बाद दोस्तों APN प्रोटोकॉल इसको आपको दोस्तों जो लास्ट वाला है 4x6 इस पे रह देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल इसको भी दोस्तों आपको 6 वाला सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना, यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन है BRL, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ज्यादातर 99% लोग यहाँ पर ही गलती कर देता है कि वो सिर्फ अनस्पेसिफाइड या फिर सिर्फ LT करके रख देता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक नहीं आपको दोनों को यहाँ पर ओके कर देना, टिक मार्क कर देना है अनस्पेसिफाइड और LT, और ये करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपका पर सेव कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारा जो APN यहाँ पर एडिट हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो न्यू APN उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से दोबारा से आपको क्या करना है, आपको वहां पर जाना है
सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं, आप अपने सिम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीफेयर नेटवर्क टाइप, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल में 4G सपोर्ट करता है तो दोस्तों 4G, या फिर अगर आपका मोबाइल 5G है तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना जो ज्यादा नेटवर्क पकड़ता है वो चाहे दोस्तों जितना भी टॉप है, वो चाहे 4G हो 5G, उस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और इसको करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक चले आना है। और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यह हमारा दोस्तों फर्स्ट और पहला ट्रिक हो चुका है। और दूसरा जो ट्रिक है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल का दोस्तों एक बार क्या करना है, आपके मोबाइल का दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी आपके जो मोबाइल का दोस्तों यहाँ पर जो आप जो सिम डाले हैं वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके लिए आपके सिम पर दोस्तों ई प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, एक बार आप अपने मोबाइल को यहाँ पर दोस्तों रीस्टार्ट या फिर पावर बटन को ऑफ करके, सॉरी अपने मोबाइल के पावर को स्विच ऑफ करके आप एक बार सिम को निकल कर आप दोबारा से सिम को आप डाल दीजिएगा। उससे भी हो सकता है आपका जो ई प्रॉब्लम या फिर एच प्लस प्रॉब्लम है वो दोस्तों फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो तीसरा जो यहाँ पर ट्रिक होने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 मिनट के लिए यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड पर रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से दोबारा से यहाँ पर ओके कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अगर अपने इंटरनेट को अगर ऑन करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में 100% यहाँ पर पहले से जो दोस्तों आपके इंटरनेट कनेक्शन है काफी अच्छा हो जाएगा, और आपका जो ई नेटवर्क या फिर एच प्लस नेटवर्क है वो दोस्तों फिक्स प्रॉब्लम है वो दोस्तों फिक्स हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता, मैंने जो ट्रिक बताया, अगर आपका वर्क नहीं करा तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, और आपका किस कंपनी का मोबाइल है आप एक दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका जो BSNL सिम आपने जो खरीदा है या फिर न्यू BSNL सिम लिया, अगर आपके एरिया में दोस्तों अगर 4G या फिर 5G दोस्तों सपोर्ट ही नहीं करता, या फिर 4G 5G अगर आपके एरिया में नहीं पकड़ता है, तो दोस्तों आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर लेते फिर भी आपका BSNL सिम में दोस्तों 4G या फिर 5G नहीं पकड़ेगा, लेकिन दोस्तों 2G या फिर 3G तो जरूर चलेगा। तो दोस्तों अगर नहीं चल रहा तो दोस्तों आप कौन से एरिया से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप एक कमेंट कर दीजिएगा, आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ऑडियंस है वो कहां कहां से देखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच।